तो दोस्तों फाइनली आज हम जा रहे हैं अपनी घोड़ी को लेकर उसी घोड़े के पास जिसको कल हम देख कर आए थे, यानी कि अपनी राजरानी को लेकर हम जा रहे हैं भूरे के पास उसे मिलवाने के लिए, ताकि फिर 11 महीने बाद बच्चा हो जाए। तो जल्दी से चलते हैं क्योंकि कोल साहब कैनल से घोड़ी लेकर यहाँ पर आ चुके हैं रोड पर। मैं वहाँ पर जाता हूँ जल्दी से और फिर गाड़ी में बैठकर निकलते हैं। दोस्तों ये मिल चुकी है हमें घोड़ी, अब जल्दी से अंदर चलते हैं। यार वाह क्या बात है, जाते जाते भाई देखो भैंसा मिल गया। कौन सब कैसा लगा भैंसा? बढ़िया फर्स्ट क्लास। कोई कमी कोई तारीफ है? तारीफ ही जब बुग्गी में चल रहा है ना भाई, तगड़ा लग रहा है वैसे भैंसा तो। खैर देखने में लो भाई भैंसा तो उतर चुका है यार, पता नहीं कहाँ से आया था, शामली में है फिलहाल ये भैंसा। और भाई देखो पीछे से आ रहा है, ये चेक करें भाई, देखना गर्दन कितनी मोटी है इस भैंसे की। दोस्तों अभी हम लगभग शामली पहुंच चुके हैं, यहाँ पर पेट्रोल फिल करवा रहे हैं और ये हमारी खड़ी है भाई घोड़ी। साइड से चढ़कर देखता हूँ ठीक ठाक खड़ी है नहीं खड़ी है। क्या हाल है? ओहो हाँ भाई राजरानी भाई, इसकी देखो हमने पिछाड़ी उछाड़ी बांध रखी है ताकि ज्यादा कोई दिक्कत ना करे ले जाने में। इसके कौन कनौतियाँ कितनी प्यारी है, इसको मफलर वगैरह लगा के लाए ताकि इसको ज्यादा ठंड ना लग सके, हुंडा वुंडा बांध कर। और ये राजहंस की जैकेट है जो हमने इसको पहना रखी है ना। चलो वापस चलते हैं नीचे। लो भाई स्टार्ट कर ली है दोबारा से गाड़ी, हमने गेट वेट लगा दिए हैं, अब चलते हैं जल्दी से। क्या नाम बताया था उसका, कहाँ जा रहे हैं? चोरवाड़ा। पर रास्ते में एक ब्रेक लिया क्योंकि भूख लग रही है, थोड़े से फल खा रहे हैं। हाँ भाई यार राजरानी को भी भूख लग रही होगी, इसे भी खिलाते हैं कुछ। लाना कोच साहब देखो संतरा खाती है नहीं खाती है। ले भाई खा। हाँ बेटा खा गई खा गई खा गई, शाबाश। तो भाई राजरानी को भी दो संतरे पूरे पूरे मैंने खिला दिए और बाकी ये है हमारे लिए, कोच साहब के लिए, ड्राइवर साहब के लिए। ठीक है चलो भाई खा पी के सेट है, चलते हैं जल्दी से, बहुत दूर जाना है बहुत दूर। ड्राइवर साहब खींच के चलना ठीक है। एक तो भाई ये ड्राइवर साहब ने ये बेस ट्यूब लगवा ली है, ये चढ़ने में उतरने में बड़ी दिक्कत कर रही है। भाई 3 मिनट का रास्ता है, 1 किलोमीटर बचा हुआ है सिर्फ। और ये हम मुड़ गए यहाँ से, ये भाई ये मुड़ गए, डालो जी गेट डालो डालो डालो। चलो भाई चलो 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 भाई, जिंदगी में पहली बार देख रहा हूँ लील गाय, क्या बात है। तीन है कि चार है? चार लील गाय हैं भाई, यार बहुत बढ़िया। अच्छा हुआ कि हम इस गांव में आ गए, कम से कम लील गाय देखने को तो मिल गई। ईंट रखे रुक जो मैं भी उतरूंगा। भाई एक ऐसा रास्ता आ चुका है जो कि बहुत चौड़ा है, नाली है बीच में। अब यहाँ पर यार कुछ जुगाड़बाजी करनी पड़ेगी, ईंट रखनी पड़ेगी। ऐसे कैसे रख देंगे, ये रखना पड़ेगा पत्थर ये वाला। हाँ इसे रख दो इसे रख दो। ये बात देखो आ जाओ आओ शाबाश, चलो 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 शाबाश शाबाश शाबाश, रेस देके तकड़ी सी। अब बेटे चलो पीछे चलाओ पीछे से, प्रेशर बढ़ा के लाना। अगर सिर्फ ये गाड़ी होती ना तो निकल भी जाती, हमें राजरानी को भी थोड़ा सा देख कर चलना पड़ रहा है। चलो भाई चलो शाबाश शाबाश, बन के बन के बन के बन के। हाँ बेटे बस हो गया काम हो गया काम हो गया काम। जब कल घोड़ा देखने आए थे ना तो हम किसी और रास्ते से आए थे, आज किसी दूसरे रास्ते से जा रहे हैं। दोस्तों पहुंच चुके हैं जिस जगह पर घोड़ा है ना, जिसे हम कल देख के गए थे, पहुंच चुके हैं। घोड़ी भी आ चुकी है हमारी राजरानी, यार इसका नाम भूल जाता हूँ मैं बार बार, इसलिए घोड़ी निकल जाता। चलो इसको खोलने की तैयारियां करते हैं, इसको उतारते हैं। जब घोड़े उतारने की और चढ़ाने की बारी आती है ना, मुझे बड़ा डर सा लगता है कि यार कहीं चोट चाट ना लग जाए। बस घोड़ा आवाज सुनते ही गाड़ी की, उसे पता लग गया कि कोई ना कोई तो आई है घोड़ी, क्योंकि हर कोई गाड़ी में आती है घोड़ी, पैदल चल के तो आएगी नहीं। तो इसीलिए ही इन्होंने ये सारी तामझाम बिठा रखा है ना, मिट्टी विट्टी लगा रखी है, इसीलिए लगा रखी है कि घोड़ियां आती हैं उतरने में कोई दिक्कत ना हो। चलो जी खोलो खोलो खोलो। अच्छा पिछाड़ी भी तो खोलनी पड़ेगी पहले ना, ऐसे खुल जाए डाल ला। खोल देंगे हम डाल ला। कितनी अच्छी जगह है यार, देखना बिल्कुल लेवल की जगह है, बड़े प्यार से उतर जाएगी हमारी राजरानी। बस 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 इधर से निकल जाएगा, निकल जाएगा। चलो आजा 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 आओ आओ आजा बेटे आजा आजा बस 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 बस। कोच साहब इसकी पिछाड़ी तो खोल रहे, कैसे चल रही है? भाई वाह भाई वाह, ये भाई बड़े अच्छे निकले, इन्होंने यहाँ पर ये रस्सी भी बांध दी हमारे लिए ताकि आराम से घोड़ी यहाँ पर बंद बन सके, कोई दिक्कत ना हो। ओए रुक जा राजरानी, तेरी पिछाड़ी तो खोल ले आराम से बेटा आराम से। बस 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 बस। भाई कल तो हम घोड़ा देखकर गए थे, आज फिर से देखते हैं घोड़े को। वाह
वाह कौन साहब, खूबसूरती इसे कहते हैं, देख रहे हो। ऐसा तो वो भी नहीं था, नूरा का बेटा है, नहीं है तकड़ा। क्या बात है भाई, क्या बात है। ये देखो भाई बनावट, बनावट देखो भाई, क्या बात है भाई। घोड़े से तो मिल आए हैं और यहाँ बेचारी हमारी राजरानी तैयार है। 11 साढ़े 11 महीने के बाद हमारे पास होगा एक नुकरा घोड़ा, घोड़ा बच्चा घोड़ा, यहाँ जो भी होगा। चलो देखते हैं। ओ भाई साहब, लो भाई घोड़ी को तैयार करने लग गए हैं कुछ सब, आराम से इसको पहले लगाम वगाम पहनाकर सेट करना पड़ेगा अच्छी तरह से, जो लात वात ना बजा दे घोड़े में। कोच साहब इसका नाम क्या है? किसका? ये जो बांध रहे हो पैकड़ा, बता रहे हैं इसे पैकड़ा। भाई ये बंधने बहुत ही ज्यादा जरूरी है ताकि घोड़े ऐसे पैर ना चला सके अपने। ये देखो भाई इसके 3 पैर बांध दिए जाएंगे कुछ इस तरह से, बस आराम से। ओहो ऐसे, ये लो भाई घोड़ी पूरी तरह से अब तैयार हो चुकी है, अब घोड़े को लेकर आएंगे। बस 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 बस, अरे 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 अरे, आराम से लाओ, मैं पकड़ूं से, तुम लगाओ, बस आराम से। ओहो ये होठ पर लगाना बड़ा जरूरी है, आराम से। हे बस बस आराम से, आराम से, बस बस। अब क्या करें, हो जाएगा ऐसी काम। आजा भाई लड़के इधर आजा, थोड़ा सा आ जाओ जी, डरो मत तुम। अरे आजा, नहीं आगे तो खड़ा होना है, आगे आजा। वैसे तो पीछे खड़े होने को तुम मना कर रहे हैं, आओ तुम आओ भाई। ड्राइवर साहब डर रहे हैं, ड्राइवर साहब सपोर्ट नहीं कर रहे भाई, कुछ भी नहीं, कुत्ते से भी ज्यादा शरीफ है। खड़े हो तुम यहाँ पर तो तुम्हें थोड़ी कुछ कहेगा भाई, घोड़ा कभी भी आने वाला है भाई। घोड़े को देखने चलते हैं, इसे फेंक दो, फिर क्या करना इसका, मतलब यही फेंक दो ना। लो भाई ये यहाँ रख दिया, ये होठ पर लगता है आपको पता होगा, एक बार देखते हैं घोड़ा आ रहा है या नहीं। ए वो तैयार कर रहे हैं भाई घोड़े को भी, भाई घोड़ा भी तैयार किया जा रहा है, क्या बात है, हो गया तैयार। चलो लगाम वगाम तो लगा दिए भाई घोड़े को, अब बस इसकी रस्सियां वगैरह खोलकर लाना है इसे यहाँ पर, देखते हैं भाई कैसे कैसे करता है। सांड घोड़े को भाई कंट्रोल करना सच में बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग होता है, क्योंकि आपको पता नहीं होता वो क्या हरकतें कर दे एकदम से, इसलिए सांड घोड़े को बड़े तरीके से कंट्रोल करना पड़ता है। क्यों कोच साहब? लो भाई टक 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 की आवाज आ चुकी है, घोड़ा आ रहा है। शाबाश शाबाश, क्या बात है भाई, ये देखें इसकी सुंदरता। अरे वाह बस बेटे, अरे वाह बहुत बढ़िया, ये घोड़ी को देखकर भाई देखो कैसे कर रहा है, क्या बात है। अरे वाह, अरे वाह बहुत बढ़िया, शाबाश। दो दो जनों को कंट्रोल करना पड़ रहा है, देख लें भाई क्या ताकत होगी इसमें, क्या बात है। बहुत अच्छे बेटे, बहुत अच्छे। तो भाई जिस काम के लिए आए थे हो चुका है बिल्कुल अच्छे से, बखूबी हो चुका है। ओह भाई क्या बताऊं, बस हो तो चुका है, लेकिन थोड़ी सी मुश्किलें आई थी, थोड़ा डर भी लगा था, जिस तरह की हरकतें होती हैं भाई। देखें सौरे में खून दिया, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, ये चेक करें। खैर दिखा तो मैं आपको नहीं पाया, उसका बुरा मत मानना, बट फिर भी हो गया काम, ठीक है, जिस चीज़ के लिए आए थे हम यहाँ पर वो हो गया। तो भाई एक बार तो इसको हमने करवा दिया है, अब दूसरी बार थोड़ा टाइम लेंगे और दूसरी बार भी वो घोड़ा आएगा और तब देखते हैं। तो भाई अब सेकंड टाइम आने वाला है घोड़ा, घोड़ी को तैयार कर रहे हैं, घोड़ा अंदर तैयार हो रहा है। चलो बेटा मुंह खोलो, मुंह खोल ले, दवाई नहीं दे रहे हम, लगाम दे रहे हैं सिर्फ, मुंह खोलना है बस, आराम से बस। तैयार है कोच साहब? तैयार है, अभी तो खैर इसके पैर भी बांधने, यार ये पैर बांधने वाला सिस्टम मुझे बड़ा वैसा लगता है डिफिकल्ट। अभी यहाँ पर घोड़ी गिरने के लिए हो गई थी यार। लो भाई अपनी घोड़ी यहाँ पर तैयार है, पैर वैर बांध दिए 3, एक पैर छोड़ देते हैं ताकि बैलेंस वैलेंस बनाने के लिए दिक्कत ना हो। ये देखो भाई आकर अब घोड़ा आने वाला होगा अंदर से। लो भाई घोड़े को लेकर आ रहे हैं अब। कितना प्यारा लग रहा है भाई, कुछ सब तैयार रहो, घोड़ा आ रहा है, ठीक है बस बेटे। लो भाई घोड़ा पूरा चार्ज हो चुका है घोड़ी को देखकर, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, क्या बात है, शाबाश है, वाह
इन दोनों को मिलवा रहे हैं ताकि इसका बच्चा बिल्कुल इसके जैसा ही हो। बहुत बढ़िया जी, बहुत अच्छा। घोड़े को पीछे को हटा लिया जी, दुलत्ता दे दे। दोस्तों जिस काम के लिए आए थे अब जाकर वो पूरा हुआ है। दोनों बार जैसा हमने सोचा था ना वैसा हो चुका है। अब घोड़ी बिल्कुल तैयार है। पूरे 11-11.5 महीने बाद इसको एक प्यारा सा बच्चा या बच्ची होगी। इंतजार करते हैं तब का, ठीक है? अब चलते हैं फिलहाल जल्दी से कैनल पर। भाई इसकी लगाम भी खोलनी पड़ेगी। बस आराम से बेटे, आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से, बस शाबाश पकड़ लो, बांध दी ना, ठीक है चलो आराम से खड़ी रहे बेटा। ये लगाम भी इन्हीं भाई ने दी थी हमें। चलो बेटा चलो 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 चलो, चढ़ जा चढ़ जा चढ़ जा, शाबाश बहुत बढ़िया। तो दोस्तों हम वापस जा रहे हैं अब कैनल के लिए और थोड़ा थोड़ा अंधेरा होने लग गया है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। दिस इज अभिनव हूं।